थैंक यू सर। सर यहाँ पर सर सेंटर सर 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 सेंटर में एकदम सर लेफ्ट साइड सर एवरीवन यहाँ दिस कैमरा सेंटर में Thank you, sir. So, time to introduce the producer of Mira, writer, entrepreneur, and exceptionally talented author who penned the success story of 10 best cricketers from India in the last 25 years in his book, The Tall Order. As a producer, he aims to venture into the unexplored realm of. Thank you very much. Thank you so much for this beautiful question. I have no words for it because the kind of emotions I was going through to get that character and to understand the life of Mira, how would it have been? Like, and the way she fights back and everything, I think it's a very sensitive and vulnerable subject for a girl or for a woman who is independent today and is a strong woman to you know, take anything and not give back. So I think every girl, every woman should stand up for their own rights and do the needful when it's needed. And that's what Mira is about. I think Mira is all about Shakti. Woman is Shakti. Thank you. So I always feel strong. And as a woman, 100% support. 100%. I mean, 110%. To watch it, but I have a rough idea. And I'm sure the intent is going to be brilliant. And Sunishi is very close to me. We have begun our journey together. And I think it's a great moment that he has taken the step of writing a film. I'm looking forward and I'm definitely wishing the entire team of Mira good luck and get a message from across the मीरा के बारे में कहूँगा तो ये जो सोच थी ये कहीं टाइम से मेरे दिमाग में चल रही थी और ख़ास करके मुंबई सिटी को अगर जो लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबई सिटी हमारे महिलाओं के लिए थोड़ी अनसेफ होती जा रही है और यहाँ के जो रेप केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं और जो वुमेन जो हमारी है जो हम कहते थे कि मुंबई इज़ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड ये कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा कम होते जा रहा है और इसी सोच से ये जो एक जो काल्पनिक जो चीज़ थी वो मेरे दिमाग में खटकी और उसके बारे में फिर कुछ रिसर्च किया और जब रिसर्च किया तो मैंने कुछ लड़कियों को पूछा ये बात जो लेट नाइट्स काम करती है या जो लेट नाइट्स ट्रेन में जाती है तो जब उनसे ये बात पूछी गई तो लोगों ने जो मुझे आंसर्स मिले महिलाओं से वो काफ़ी शॉकिंग और मुझे सरप्राइजिंग लगे मेरे खुद के लिए। जब उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग लाल मिर्चियाँ अपने पर्स में रखती है हम पॉइंटर्स रखते हैं तो इस किस्म की चीज़ें उनके सेल्फ डिफेंस के लिए जो रखना पड़ती है तो ये बात मुझे खटकी और इसी काल्पनिक से फिर मैंने ये स्टोरी राइटिंग स्टार्ट की और सोचा कि इसको किस तरह से आदमियों की तरफ पहुँचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाया जाए ताकि ये जो अपराध है ये ना हो और लोगों की सोच चेंज करे तो इसी काल्पनिक से ये मीरा की जो सोच हमारी पैदा हुई। लेकिन लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में काम हुआ तो उसके बाद उसी से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई थी कैंडल बहुत सारे लोगों ने मास में डाला था फिर भी उसके बाद जो आंकड़े आए उसको देख के ऐसा लगा नहीं कि रेप केसेस रुके हैं तो अब इस स्कीम को जैसे आप बता रहे हैं कि अवेयरनेस की तरह इस्तेमाल करेंगे लोगों तक पहुँचाएंगे तो प्लानिंग क्या है किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है क्योंकि दर्शक सिनेमा घरों तक आए वो भी अपने हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि दिल्ली के बारे में तो हम कहते हैं बट जब मैंने बॉम्बे के बारे में देखा अप टू 2013 या 14 तक जो रेप केसेस नंबर ऑफ रेप केसेस खास करके साउथ मुंबई में जो रजिस्टर देखे तो करीबन 400 के करीबन रजिस्टर हुए और वो जाके अभी पहुँचे हैं करीबन 700 के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो बढ़ रही है तो हमें लोगों की सोच बदलनी है
मैं कहूँगा कि जो सोच बदलती है तो हर चीज़ बदलती है। हम कहते हैं कि एजुकेशन द्वारा यह सोच बदलती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो, और ये जो सोच है, सिनेमा बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, और सिनेमा के द्वारा हमने सोच बदलने की कोशिश की है ताकि जो महिला है ये भी खाली मीरा, हर 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 लड़की में एक मीरा हो सकती है, हर लड़की अलग अलग तरीके से सोच सकती है, इसी मूवी में ये दिखाया है। क्योंकि कोई लड़की, हर लड़की का एक एक्शन के ऊपर अलग रिएक्शन हो सकता है, तो हमने सोचा कि मीरा का रिएक्शन होना क्या चाहिए, वुमेन का असली रिएक्शन होना क्या चाहिए, तो इस तरह से इस मूवी में मीरा के द्वारा हमने असली रिएक्शन क्या होना चाहिए ये प्रयास करके बताया। देखिए, हमने जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो कंप्लीट इम्पोर्टेंस दिया गया है द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन प्लेड इन द फिल्म। तो मीरा एक कहानी उस वुमन की है जो केवल सिर्फ बड़े घरों में नहीं रहती है, वो एक आम जिंदगी भी जीती है। और जब आम जिंदगी के बारे में बात करें तो हमें लगा कि वी विल हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ कॉमन गर्ल जो मुंबई जैसे शहर में आती है। तो मीरा कैरेक्टर केवल इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल हु इज़ बॉर्न इन मुंबई, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ गर्ल जो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आती है। और जैसे कहा गया है कि मुंबई एक सपनों की नगरी है, और इस सपनों की नगरी के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद कहीं ना कहीं क्राइम रेट के कारण से दे आर गेटिंग ट्रैप। तो हमें ये लगा कि मीरा कैरेक्टर प्ले करेंगे कोई कॉमन गर्ल, विच विल एक्चुअली बी समथिंग रिलेटेड टू अ कॉमन गर्ल इट्सेल्फ इन मुंबई सिटी। बहुत ही इंटेंस फिल्म है और बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है मिस्टर पठारी ने, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। एंड आई कैन से वन थिंग दैट इस तरह के जो हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट हैं उन पे स्पेशली जो डे है आज विमेंस डे, इसके ऊपर आते हैं तो बहुत सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और बॉम्बे जैसे शहर की एक स्टोरी ली है, सो आई कैन से इट्स वेरी सैड। द फिल्म जो मैसेज देती है वो थोड़ा सा दिल को झकझोर देता है, और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के क्राइम्स के लिए तो एक अलग तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए। बाकी सारू है, सारू भी आपको बताएगी कि व्हाट शुड बी डन इन दिस। वेल, जब फिल्म देखी तो एक्चुअली उसमें एक बात बोली गई कि मुंबई इज़ नॉट सेफ एनी मोर। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, वेरी रिसेंटली इवन शेजवुड डजंट नो एज येट, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑन द रोड, एंड आई रियली फील यू नो दिस जस्ट ब्रॉट दैट थॉट बैक इन टू माई माइंड that Bombay is not safe anymore. So on Women's Day, I think हमारा जो बॉम्बे की एक चीज़ होती थी कि we could be on the road at whatever time we wanted to be, that something has started missing now. So I think this film will probably wake up that thought that listen, we need to have our city as safe as before. Thank you. Thank you so much. Congratulations. So I guess we've just watched this film called Meera, and Kimaya is playing the lead in this film, and it's a very kya kehte hai, how would you describe the film? It's a nice film, but the subject jaise kehte hai na aankh pe aage marathi mein, you know, it's like you know, this film actually brings out a very relevant point. Today I'm talking about the film that we just saw, Meera. Yes. You know, women, rape is being created as a very women's issue, whereas actually it is more about a breed of men who stop behaving like human beings and start behaving like animals. So it's actually this film brings a very different basically side. You know what, yes, it is very true. There's one point that I really understand. We've been talking about Mumbai being safe, but aajkal Mumbai bhi aajkal itna safe nahi hai, aur the kind it's a there's a the whole story is about this girl who gets gang raped. What she has to go through, her family, everybody has to go through. They've tried to portray it in a way that what a girl woman goes through, and it is very true that rape is not just physical, it is mental, it's emotional, it's damaging for life.
एंड जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया गया, आई मीन इट वॉज रियली, इट केम ऑन टू मी द होल सीन, आई कुड फील दैट गर्ल. So it was too much for me right now to understand it, but yes, they've really tried to show it very beautifully. Secondly, this is a issue that we all should really target and understand, and it all, I think, is problem ka jo hal hai, solution hai, ye hum log, what we can do is obviously the parents, when they grow, when the kids are growing up, I think conditioning is most important. सबसे important चीज़ है जिसके लिए obviously education is also important. लेकिन अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को, लड़कों को ठीक तरह से बड़ा किया तो obviously it will definitely make a change. I feel it is a very bad mentality that men have, but I'm not generally who these psychopaths have. Animals, really. It is, I just hope that we find ways to curb this big issue that we have in India. And बहुत यानी स्पेशली देर बीन सम रीजन्स लाइक दिल्ली को कहा जाता है कि इज नॉट इज अनसेफ, इट्स अ वेरी अनसेफ प्लेस, बट येस इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स गोइंग अराउंड. जब हम अब्रॉड बाहर जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं बाहर, उनको लगता है पता नहीं इंडिया क्या है, इज लाइक एवरीबडी इज रेपिंग एंड अटैकिंग एंड स्टफ लाइक दैट. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट वी आर गिविंग टू द डिफरेंट नेशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. तो हमें देखना पड़ेगा, वी हैव टू लुक intercept ourselves and all the parents, jitne maa baap hain yahan pe, they have to, it's all about conditioning and how they bring up their kids. So all of us have to take a collective responsibility. Definitely the entire society has to take a collective responsibility. Yes. To change our approach and attitude towards women, I think, and women and the most heinous crimes ever. Exactly, and women are not commodities, and they have a right. We have, I mean, so this should be understood and respected. There is a reason on this Women's Day. Of course, there is a reason. You know, this era that we are living in, the Kali Yuga, the ruling deities are not men, the gods. The ruling deities actually are women, the Durga, the Saraswati, and Parvati. I think people have forgotten it somewhere, but I would just like to say that and end this year saying that on this Women's Day, I want to definitely wish you all a very happy International Women's Day. And yes, if saal mein ek baar hum wish karte hain, but I think this should be remembered, appreciated, and talked about and respected throughout the year. Rahi baat film ki, Sunil Puthare jo hai, unhone, it's a beautiful project, it's a nice point. वी नो अबाउट दिस, हम बात करते हैं, हमारे खबरों में आती रहती हैं चीज़ें, बट एक क्लोज इंटरसेप्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव, अ क्लोज प्रोस्पेक्टिव जो दिया गया है, आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुली पुट अक्रॉस. या एडिंग टू व्हाट शी मेंशनड अबाउट वुमेन सेफ्टी, यू नो वी कीप टॉकिंग अबाउट सिटी नॉट बीइंग सेफ एटसेट्रा, बट यू नो वी ऑल्सो टॉक अबाउट पेपर स्प्रेज, bullet guns, but wo pata that's nahi. A different picture. Yes, that's a, but I don't know how much of it is even permitted here in India to carry. I completely agree we with have you. All those limitations as well, actually, but every day could be, must be spent as a and celebrated as a Women's Day. Yes, definitely, I think so. So thank you so much. Thank you, absolutely. Is there anything you'd like to share? Wish you, and keep apne courses ki apne short film, so overall kaisa experience kiya jana chahiye? Bahut khoobsurat experience tha. It was a very sensitive subject, very vulnerable subject, very strong subject. So if you don't connect to it, you will not be able to do it properly. So I really felt very good that you know, Sunil sir had given me that opportunity to play Meera, and he believed in me that I could do it. So it was a very beautiful feeling. And क्योंकि हम देखते हैं हमारे इंडिया में इस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या सोशल मैसेज आएगा आपकी तरफ से? ऑफकोर्स मुझे लगता है हर हर औरत, हर लड़की जो खुदगर्ज है, जो इंडिपेंडेंट है, जो स्ट्रॉन्ग है, she has all the right to stand up and fight for her rights, I think, and she should do it. If she doesn't do it, then what's the use of being a woman if you cannot take that right, that men should respect you, that people should respect you, because aurat maa hoti hai, shakti hoti hai, to
Of course, I will take that. One second. So, I film karna chahungi, but anything which is related to a strong subject like Meera, that will be my first priority, of course, because I love strong subjects like this, which gives a message to the society, and where I can be a small zariya to make people understand what's happening today and how you should stand up for your own rights. Yes, of course, I will take it up. देखिए, जब ये आज का प्रीव्यू के पहले जब ये हमारा सोशल प्लेटफॉर्म पे जब प्री इवेंट चल रहा था तो फीडबैक्स काफ़ी आ रहे थे. पीपल वर क्वाइट एंशियस टू नो अबाउट आफ्टर सीइंग द ट्रेलर्स. और मैं मेरे सभी पत्र भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आज का इवेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाए, ताकि इसका जो फीडबैक है और इसका जो ये फिल्म का जो प्रति है वो काफ़ी लोग इसे देख पाए और मैक्सिमम फीडबैक आ जाए. मैं यही कहूँगा कि जो मीरा की जो सोच थी हमारी और जो एक रिसर्च किया था और उसका जो आउटकम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसा हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कपिल पटारे ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ही इसका रियल सक्सेस मिल सकता है. क्योंकि नहीं तो जो सोच है वो सिर्फ एक चार दीवारियों में नहीं बल्कि हर आदमी की सोच बदलने के जो प्रयास है, हम ये मीरा के द्वारा कर सकते हैं. वुमेन को एक जो ये वुमेन बेस्ड सब्जेक्ट है और वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह ना ट्रीट किया जाए, बस ये एक मैसेज है. और वुमेन को रिस्पेक्ट करें और वुमेन को रिस्पेक्ट के द्वारा देखा जाए और ये जो लोगों की जो सोच है ये बदली जाए. और ये जो नयापन है इसमें, कि जैसा इसमें आप देखेंगे तो कुछ डायलॉग्स हैं जो हार्ड हिटिंग डायलॉग्स हैं बट वो फैक्ट है, और बस उसको बदलने का प्रयास है मीरा के द्वारा. I think Meera is a subject where every woman in this country or in this world is connected to, where she works independent, where she is strong, and where she is, she fights back for her own rights, of course. And I think Sunil Pathare sir has done a wonderful job. He is a debut director, but the way he has explained us the scenes and the way he was confirmed about what he wants from an actor was amazing. It was a great help for me for my first film, so I would love to give half of the credit to him and the whole team of Meera, of course. Thanks a lot to every one of you who has worked for Meera, because you have done a wonderful job. It was not possible without you all. Thank you.